हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैथ चल रहा है और उसको कई जगह हम ग्रुप रिंग एंड फील्ड भी बोल देते हैं और काफ़ी जगह हम एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं। तो हमने ग्रुप स्टार्ट कर रखा था। ग्रुप पे हमें अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया, देखो मैं अभी पहले बता देता हूँ क्या क्या करा दिया, क्योंकि जो करा दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट कराया मैंने। ग्रुप पे मैंने पहले बेसिक लेक्चर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होता है ये लिया। उसके बाद मैंने ग्रुप का एग्जाम्पल लिया, ग्रुप का जो इनफाइनाइट सेट है उसका लिया। और आज मैं ग्रुप के ऊपर क्या लूंगा स्टूडेंट्स, फाइनाइट, जिसको हम सेट को काउंट कर सके, जिनमें नंबर को काउंट कर सके उसके ऊपर लूंगा, ठीक है। आज हमारा ग्रुप का लास्ट लेक्चर है। ग्रुप के बाद हम सेमी ग्रुप से ग्रुप के ये पार्ट सीखेंगे। जितना भी कराया है ये सारा देख लेना, आज का लिंक इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज कुछ नई चीजें भी सीखेंगे। और जो आज क्वेश्चन कराऊंगा इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आज तक आया है, वही क्वेश्चन मैंने आज लेने की कोशिश किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तीन क्वेश्चन लूंगा, तीनों ही आपके एग्जाम में टाइप सेम रहेगा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, स्टेटमेंट चेंज हो सकता है, बट टाइप सेम रहेगा। मैं आपको सभी को बता देता हूं क्या रहेगा, टाइप हमारा सेम रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के हमारे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन क्या रहेगा, जो हमारा जी था अभी तक क्या देता था, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर दे देता था। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है हमारा, कहां से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, कितने नंबर बीच में। तो ये थे हमारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल जो मैंने करा दिए। आज क्या है, जी हमें कोई सेट दे दिया और उसमें तीन नंबर दे दिए, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इस प्रकार जिसमें हमें सेट दे रखा है उसमें हम काउंट कर सके नंबर को। आज मोटो है उनको सोल्व करना। तो क्या क्वेश्चन आया हुआ है, चेक वेदर जी मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई क्या है, जी मल्टीप्लाई इज ए ग्रुप और नोट, एक ग्रुप है कि नहीं है। हेयर जी इज डिफाइन एज वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या रहेगी, ओमेगा, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा, देखो लिखो, जी हमें क्या दे रखा है, जी एक सेट दिया है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। एक एक चीजें लिखो जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। दूसरा चैनल फ्यूचर स्टेप है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उस पर भी करा रहा हूँ। देखो उसके बाद क्या करना है, अब ये दो तीन प्रॉपर्टी जनरल चीजें तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। अब सभी को पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन होती है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये तो आप क्लास टेंथ से पढ़ते आ रहे हो, बताने की चीजें नहीं है बट मैं बता रहा हूं क्योंकि यूज होगा इनका भी, ठीक है। अब सबसे पहले जब हमारा क्या आ जाए, फाइनाइट सेट, क्या आ जाए, फाइनाइट सेट, और हमें ग्रुप का पूछ ले तो हमें एक नई चीज सीखना पड़ेगा, क्या है, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। और एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है व्हाट इज कंपोजिशन टेबल, और पूरे ग्रुप में पूरे रिंग में आगे यही यूज होगी, क्योंकि इनफाइनाइट को तो पूछता ही नहीं वो क्वेश्चन, पूछेगा तो दो मार्क्स में पूछेगा, ये पूछेगा तो पांच मार्क्स में पूछेगा, और व्हाट इज कंपोजिशन टेबल, भाई फाइनाइट के लिए हमें क्या चाहिए, कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और कंपोजिशन टेबल क्या होती है, देखो बना के दिखाऊंगा, उसी के हेल्प से आप समझना। आपको क्या करना है, यहां पे क्या आएगा, बाइनरी ऑपरेशन हमारा, बाइनरी यहां पे हमेशा क्या आएगा, बाइनरी ऑपरेशन जो गिवन है, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारा बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। इस साइड जो सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, सेम इस साइड देखेंगे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इनपुट भी बोल देते हैं, काफी जगह इनपुट्स भी बोल देते हैं, जो हमें गिवन डाटा रहेगा वो लिखना है दोनों साइड, ठीक है। अब क्या करना है, धीरे धीरे समझेंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, पहले वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हो गया, फिर इस वन को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए करें क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लाई। तो वन की पहले वन के साथ किया तो वन, वन की ओमेगा के साथ किया तो ओमेगा, फिर वन की ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या किया तो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। पहली का हो गया सभी के साथ, अब ओमेगा का करो, ओमेगा का किसके साथ करेंगे, वन के साथ ओमेगा, फिर ओमेगा का ओमेगा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स हमारी, वन। ये अब बात आपको मैंने पहले यहां पर समझा दी थी। थर्ड में अब ओमेगा स्क्वायर की बारी है, किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की, मैं सारी लाइनें हटा रहा हूं, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर, इसी ओमेगा को क्या करेंगे, ओमेगा के साथ, तो क्या देगा, ओमेगा क्यूब, और उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, वन, ना कि ओमेगा क्यूब लिखेंगे, वन लिखेंगे,
ठीक है, उसके बाद ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब क्या जाएगा, ओमेगा की पावर 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू ओमेगा, तो हमारी क्या जाएगी ओमेगा। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। बहुत ही अच्छी तरह समझा रहा हूँ, कंपोजिशन टेबल समझ लो भाइयों, ये नहीं समझोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो सारा हमारा आया है, ये क्या आया स्टूडेंट्स, आउटपुट, ध्यान रखना, ये क्या आया है हमारा आउटपुट, ठीक है। अब हमें क्या, ये आ गई हमारी कंपोजिशन टेबल, सारा काम इसी से होगा। अभी हम चेक करना है ग्रुप और नोट। अब ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी बता रखी है आपको पहले से ही, लेक्चर नंबर 2 में, 3rd में, और आज 4th लेक्चर है, फिर वही आ गई ग्रुप की प्रॉपर्टीज, इस कंपोजिशन टेबल से ही सीखेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो धीरे धीरे करेंगे, आराम से एक एक प्रॉपर्टी बताऊंगा। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, ब्रीफ में समझना है तो लेक्चर 2 को देख लेना जाके, क्या है प्रॉपर्टी, उसमें बताया था फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, उसके बाद बताया था इट इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी बिलोंग टू जी, ये हमारा होना चाहिए। ए एस्ट्रिक बी मतलब क्या है, इधर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हमारा क्या है, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लाई बी, तो मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई करें, कोई भी दो एलिमेंट जो हमें जी से उठा रहे हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे वो एलिमेंट्स किस में होना चाहिए, जी में ही होना चाहिए। अरे भाई हमने कंपोजिशन टेबल में क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना, इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया, तो देखो ना आउटपुट, देखो ना हमें तो क्या चेक करना है, आउटपुट चेक करना है ना, आउटपुट हमारा सारा उसी सेट में आ रहा है। देखो क्या रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, भाई है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, वही सारी चीजें आ रही है, तो क्या सारी आउटपुट क्या हमारी मिल रही है, तो ये हमारा क्या कर रहा है एग्जिस्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किया आउटपुट में, हम क्या किया मल्टीप्लाई किया ना दो एलिमेंट्स का, और वो सारे क्या कर रहे हैं जी में बिलोंग कर रहा है, जी की वैल्यू आपकी क्या थी, ये हमारी जी की वैल्यू है, समझ गए बात। पहला भी कंपोजिशन टेबल से हुआ, दूसरा देखो अभी, दूसरा है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या करना है आपको, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू जी, तीन एलिमेंट लेने हैं, और उसके बाद क्या करना है ऑपरेशंस लगाने हैं। देखो क्या रहता है, मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूं, हमारा क्या रहता है ये रहता है, ये इक्वल रहता है, तो यहां पे हमारा क्या साइन है मल्टीप्लाई का, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इन दोनों का और इन दोनों का, ये हमारा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। और मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूं कि जब भी हमारा मल्टीप्लाई आ जाए प्लस आ जाए दोनों में क्या करेगा, हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, माइनस में हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है नहीं करता, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं, माइनस में हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी भी नहीं काम करेगा, वो हमारा सेट में प्रॉपर्टी सेटिस्फिकेशन नहीं करेगा, तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा प्लस में एडिशन में क्या करता है सेटिस्फाई करता है। थर्ड सुनो, थर्ड क्या होता था, एग्जिस्टेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है भाई। इसमें हमें क्या करना था, मैं लिखता था, क्या लिखता था बताओ एक बार आप लोग, मैं बिल्कुल सिंपल सी चीज में लिखता था, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, हमें कोई एक नंबर उठाना है और देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी सच दैट, ये चीज तो आपको लिखनी पड़ेगी भाई, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं, ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए, ई कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको ए के साथ ऑपरेट करे तो हमें सेम एलिमेंट ए दे दे, क्या बोल रहा हूं, ई एक ऐसा एलिमेंट उठाना है जो ए के साथ ऑपरेट करे, सेट से उठाना है वो भी, और जो ए ही हमें दे दे, इधर क्या होगा ए मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए, यही है ना हमारा ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए, बिल्कुल सिंपल सा है ना, इधर से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, ई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ई इज इक्वल टू ए बाई ए, ई की वैल्यू कितनी आ गई 1, अब देखो 1 बिलोंग टू जी है, 1 आ रहा है हमारा जी में, चेक करो भाई थोड़ी देर पहले समझाया था, देखो आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो 1 आ रहा है ई बिलोंग टू जी, सो
आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, सो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। अब फोर्थ प्रॉपर्टी लास्ट बची है, देखो लास्ट में क्या आ जाएगा, सेम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। इसमें क्या करेंगे, फॉर ऑल ए तो था ही, इसमें क्या ई भी हमें पता लग गया ना, ई बिलोंग कर रहा है तो ए ई बिलोंग टू जी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी, बी कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसी सेट में होना चाहिए जिसको हम करें सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई। बी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको ए के साथ ऑपरेट करे, तो हमें क्या दे दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। ये हमारा वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे क्या था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भूलना नहीं है आपको। तो इसको बी एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसको ए के साथ ऑपरेट करे, तो हमें ई दे दे। अब देखो यार कंडीशन पे चलते हैं, पहले तो ऑपरेशन मल्टीप्लाई का बी इज इक्वल टू ई। अब ई की वैल्यू कितनी आई थी थोड़ी देर पहले आपको पता था, वन, क्या आई थी वन। अब बोलोगे सर ए मल्टीप्लाई या बी की वैल्यू इधर से निकालो क्योंकि आपको तो बी निकालना है, बी की निकालोगे तो वन बाई ए। अब तो वन बाई ए तो यार है ही नहीं, क्या यार वन बाई ए तो हमारा है ही नहीं, फंस गए यहाँ पे। बोलो सर ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये तो सर गलत हो गया। नहीं ब्रो ये गलत नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है आपको ये नहीं करना, क्या है ये नहीं करना। अब बोलोगे सर क्या करना है ब्रो, क्या करना है आपको, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू वन बाई कंपोजिशन टेबल जाएंगे, अगेन बाई कंपोजिशन टेबल, बाई कंपोजिशन टेबल। अब हम कंपोजिशन टेबल में देखेंगे कि एक ऐसे दो कौन कौन से एलिमेंट है जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, हमें वन मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनको मल्टीप्लाई करने पे वन आ रहा है, चलो कंपोजिशन टेबल पे चलते हैं यार। देखो वन मल्टीप्लाई वन कर रहे हैं तो वन आ रहा है, याद रखना, देखो वन मल्टीप्लाई वन कर रहे हैं तो वन दे रहा है, हमें ये देखना है वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद वन आ रहा है यहाँ पे, देखो दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे वन आ रहा है, दूसरा कहाँ पे आ रहा है वन, किसको मल्टीप्लाई करने पे, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर को करने पे हमारा क्या आ रहा है वन आ रहा है। तीसरा वन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू वन, तीन जगह ही वन आ रहा है ना। अब चलो इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं पे, आगे एज इट इज लिख देता हूँ। देखो अभी क्या होगा भाई, यही वन आया ना, यही समझाया थोड़ी देर पहले आपको मैंने, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, एक सेकंड आप रुको, हाँ यही समझाया ना कि वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो लेना है, ले लिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज, हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो जब इन केस में ये क्या है, सारे आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या है आइडेंटिटी, क्योंकि वन हमारा क्या था आइडेंटिटी एलिमेंट, ई की वैल्यू वन आई थी और वन हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार समझाऊंगा, हमें इनवर्स निकालना है। तो वन का इनवर्स क्या होगा, इस वन का इनवर्स क्या होगा वो बताऊंगा, ओमेगा का इनवर्स क्या होगा वो बताऊंगा, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा वो भी बताऊंगा। देखो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वही इसका इनवर्स होगा, वन का इनवर्स क्या होगा वन, ओमेगा का इनवर्स क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा ओमेगा। अब देखो तीनों लाइज कर रहे हैं सेट जी में, भाई बिल्कुल कर रहे हैं, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट इज ए ग्रुप, ये क्या है एक ग्रुप है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर टू, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई थी उसमें, तो हमारा क्या हो गया वो क्या है एक ग्रुप है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, चेक वेदर ए मल्टीपल ए मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन दे दिया इज ए ग्रुप और नोट, ग्रुप है कि नहीं है। हेयर ए इज डिफाइंड एज वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा, फाइनाइट सेट आ गया सबसे पहली बात, फाइनाइट सेट आ गया तो क्या बनेगी, कंपोजिशन टेबल बनेगी, क्या बनेगी कंपोजिशन टेबल बनेगी। कंपोजिशन टेबल में मैंने सेम बताया था, सेम चीजें करेंगे, मल्टीप्लाई का ऑप्शन वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, वन माइनस वन आयोटा आयोटा माइनस का, सेम मल्टीप्लाई कर दो, वन का मल्टीप्लाई क्या करेंगे इस वन का मल्टीप्लाई वन के साथ, मल्टीप्लाई का साइन है ना तो वन, वन का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ माइनस वन, वन का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ आयोटा, फिर माइनस आयोटा फिर ये हो गया। अब इस वन की माइनस वन की मल्टीप्लाई वन के साथ माइनस वन, माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन,
माइनस वन और आयोटा की करेंगे तो माइनस आयोटा, और माइनस वन और माइनस आयोटा की करेंगे तो प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करना है, आयोटा मल्टीप्लाई वन आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस आयोटा, और भी क्या है, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, माइनस वन। ये सभी को पढ़ा हुआ, छोटी क्लासों में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास इलेवेंथ, कहां से आया क्लास इलेवेंथ। उसके बाद आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो क्या हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सेम हम निचले की मल्टीप्लाई करेंगे, तो निचले की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, माइनस आयोटा आयोटा वन एंड माइनस वन, क्या आ जाएगा माइनस वन। ये हमारी कंपोजिशन टेबल बन के रेडी है, सभी को पता है ये क्या होती है आउटपुट, ये क्या होती है हमारी आउटपुट, ये क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या होता है हमारा इनपुट। इधर तक ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तो मेरे को बताओ, ठीक है। अभी देखो सारी प्रॉपर्टी मैं इधर ही सेटिस्फेक्शन करवा दूंगा दो मिनट में आपके पास, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो पहली क्या है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, इधर ए सेट है याद रखना, जी नहीं है ए है, फॉर ए एस्ट्रिक बी इट्स इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी बिलोंग टू ए, तो इधर वो ऑपरेशन क्या है ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग टू ए, ए और बी की मल्टीप्लाई करें तो क्या करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए, और देखो आप वन माइनस आयोटा वायोटा माइनस आयोटा सारा में सेम आ रहा है हमारा, तो सारे सेट तो ये हमारे ए में लाइज कर रहा है, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में मल्टीप्लाई में है ऑलवेज सेटिस्फैक्टरी, दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा समझाता हूँ आपको थोड़ा मैं, तीसरा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ, वो दोनों इंपॉर्टेंट है यार, उन दोनों में प्रॉब्लम होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, उसमें क्या होता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू, क्या होता है ए बिलोंग टू सेट ए है हमारा ए, यही है ना, एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू ए सच दैट ए एस्ट्रिक ई बिलोंग टू ए, क्या होना चाहिए सच दैट ई हमारा कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट होना चाहिए जिसको ए के साथ ऑपरेट करे तो हमें क्या दे ए ही दे, ई कोई ऐसा होना चाहिए जिसको ए के साथ ऑपरेट करे तो हमें ए ही दे। इधर क्या है मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, ई इज इक्वल टू ए, ई इज इक्वल टू ए अपॉन ए, कितना वैल्यू आ गया वन, वन बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल कर रहा है, ये रहा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, क्या है फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, उसके बाद बी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू ए सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई, मतलब क्या बोल रहा है बी कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सेट में जिसको ए के साथ ऑपरेट करे तो हमें क्या दे दे ई, ई हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। इधर क्या है ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है वन, भाई सेम देखो किस किस को मल्टीप्लाई करने पे हमारा वन आ रहा है, कंपोजिशन टेबल में देखो, देखो एक तो वन यहां पे आ रहा है, एक वन दो वन तीन वन और चार वन, इन चारों को देखो और चारों का इनवर्स हमारा आपको देख लेना जो लास्ट क्वेश्चन में समझाया था वही एग्जिस्ट करेगा यहीं पे, क्या है यही आएगा सेम, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या करेगा सेटिस्फेक्शन, ये क्या आएगा बाई कंपोजिशन टेबल, जो लास्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आया वो आपको करना है, ठीक है। और ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो चारों प्रॉपर्टी क्या कर रही है सेटिस्फिकेशन कर रही है, ठीक है। तो इट इज ए ग्रुप, ये क्या है बेटा एक ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, एक थर्ड पैटर्न, दो पैटर्न सिखाया, एक में तीन का लिया एक में चार का लिया, दोनों क्वेश्चन जो दो लिया तो दोनों आए हुए हैं आपके यूनिवर्सिटी में। अब क्या थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है चेक वेदर क्यू स्टार इज ए ग्रुप और नोट, हेयर बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज डिफाइन एज ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन फोर, ए डॉट बी अपॉन में फोर, ठीक है भाई। क्या हो, क्या होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है हमारा पी अपॉन क्यू,
रैशनल नंबर क्या होता है, p इज इक्वल टू क्या हो, बट क्या हो इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट क्या हो इज नॉट इक्वल टू जीरो। एस्ट्रिक क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, और वो क्या दे रखा है हमें, a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन में 4। अब एक चीज मैं इधर ही क्लियर कर देता हूं, इसको जब ऑपरेशन आ जाए तो इसको हमेशा फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और क्या कर रखा है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट डॉट में सेकंड, क्या कर रखा है देखो इधर समझाता हूं, फर्स्ट डॉट में सेकंड अपॉन में 4, यही कर रखा है। ये चीजें ध्यान रखना, इसको फर्स्ट लेट कर लेना, ये आगे समझ में आएगा, अभी तो समझ में नहीं आया होगा आपको मेरे को लग रहा है, इसको सेकंड लेट करो। और इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी मतलब पहले का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दूसरे का अपॉन में 4, मैं कहने का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, पहले का मल्टीप्लाई, ए हमारा पहला है, पहला नंबर मान लिया, बीच में क्या डॉट आ गया, तो मतलब ए का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी अपॉन में 4, इसका मतलब ये है। अब देखो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेट ऑफ रैशनल नंबर, ध्यान रखना। तो क्या करते हैं, फोर क्या करते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्या हुआ है, इट्स इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी इज बिलोंग टू क्या होना चाहिए हमारा। अब देखो ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या है, ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में जाओ, ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में जाओ, ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में जाओ, ये चीज आपको ध्यान रखनी, तीन बार रिपीट किया, ध्यान काम की चीज थी, इसलिए इसका मतलब क्या है, ए बी अपॉन में 4, ए डॉट बी अपॉन में 4। अब ये ए डॉट बी अपॉन में 4 हमारा क्या में बिलोंग करेगा, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, ए की वैल्यू मान लो 1 ले ले, बी की वैल्यू 2 ले लो, ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू 2 ले लो, तो करके देखो 1 मल डॉट 2 अपॉन में 4, तो क्या जाएगा 2 अपॉन में 4, तो 1 अपॉन 2 हमारा बिलोंग करेगा क्या में, भाई बिल्कुल करेगा, क्या करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हमारा क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब आ गया दूसरा, दूसरा कौन सा होता है हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सा होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई का केस है, ऑलवेज सेटिस्फाइड होता है, जो मैंने लिख के छोड़ा है वही लिख के छोड़ देना आप, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, यार देखो आप, लेकिन नहीं समझा देता हूं यार ये चीज भी आपको थोड़ा सा, वरना पेपर में आप कुछ करके आओगे फिर। क्या होता है हमारा, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू क्या हो, रैशनल नंबर, क्या होता हमारा, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू, ये समझ लेना भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं बोल दिया था डायरेक्ट, देखो बी सी ए बी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक चीज करके दिखाऊंगा, एक चीज होमवर्क देना हो आपको, ठीक है, आज का इतना ही होमवर्क दिया है, आरएचएस आपको सोल्व करने, दोनों इक्वल आएगी, ठीक है। इसमें क्या है, पहला नंबर इसको मान रहा हूं मैं, ठीक है, अभी मत मानो, और आसान करके बताता हूं चलो आपको, इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट वाली चीज को सोल्व करते हैं हमेशा, तो हमारा क्या दे रखा है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी अपॉन 4 दे रखा है, बट हमारा क्या है, ए एस्ट्रिक, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, क्या करें ब्रैकेट को, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, क्या कर रखा है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई, इसमें क्या कर रखा है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड अपॉन में 4, तो इसमें फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, तो क्या हो जाएगा, बी डॉट सी अपॉन में 4, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एस्ट्रिक बी सी अपॉन 4 लिख सकता हूँ। अभी हमें तो इसको, ये एस्ट्रिक बच गया, तो इसको कैसे सोल्व करना, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मानो फिर, और हमारा क्या लिखना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई में सेकेंड अपॉन में 4, हम तो ये करते हैं, तो फर्स्ट क्या है हमारा, ए है, सेकेंड मल्टीप्लाई में सेकेंड क्या है, बी सी अपॉन में 4 को हमने सेकेंड माना, और इसके ओवर हम क्या है 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन में 16। ये आया हमारा एल एच एस साइड, आर एच एस भी सेम आएगा, आप सोल्व कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई और प्लस के केस में हमेशा सेम होता है, तो आप सोल्व करना सेम यही आएगा, इसी तरीके से आपको बस ये याद करना है, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्या, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू क्या, सच दैट ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए,
ई कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको ए के साथ ऑपरेट करे तो हमें ए ही दे। बट इधर की कंडीशन अलग है, इधर हमारा क्या है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में फोर। तो इधर हमारा कितना है, फर्स्ट हम इसको मान ले, सेकंड हम इसको मान ले, और क्या होता है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सेकंड अपॉन में फोर। तो फर्स्ट क्या है हमारा ए, मल्टीप्लाई का साइन, बी हमारा क्या है सेकंड क्या है ई, ई का मल्टीप्लाई अपॉन में क्या है फोर इज इक्वल टू हमारा क्या है ए। ये हमें क्या लगाना, एस्ट्रिक की जगह ऑपरेशन लगाने के लिए बोला है। तो क्या हो गया, ए ई अपॉन में फोर इज इक्वल टू ए, ए से ए कैंसिल हो गया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई फोर। बट फोर इज नॉट बिलोंग टू क्यू, वाई, क्योंकि क्यू हमारा क्या होता है रैशनल नंबर, पी अपॉन क्यू, पी क्यू क्या होता है, पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू फोर अपॉन वन लिख सकते हैं, किसी के ऊपर नीचे कुछ भी कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो बिलोंग नहीं करेगा, बट हम लिख सकते हैं फोर अपॉन वन इज बिलोंग टू क्यू लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हमारा सेटिस्फाई है, क्योंकि फोर अपॉन वन पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ये पी हो गया, ये हमें क्यू हो गया, सेटिस्फाई है ना, कुछ भी वन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। ये हो गया हमारा सेटिस्फाई, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू क्यू, सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई। क्या है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई, तो क्या हो जाएगा, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है फोर, ई की वैल्यू कितनी आई फोर अपॉन वन, क्या ये फोर अपॉन में वन। अब क्या करना है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, ऑपरेशन हमारा क्या है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में फोर, मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड अपॉन में फोर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, इनको कैसे ओपन किया है, वही यार, ए मल्टीप्लाई में बी अपॉन में फोर इज इक्वल टू फोर था हमारा, तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16। हमें क्या चाहिए, यहाँ से बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू क्या होगी 16 अपॉन में ए, क्या होगा 16 अपॉन में, बी की वैल्यू निकालनी होती है ना हमेशा यहाँ से, तो बी क्या होगा 16 अपॉन में ए, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि क्या हमारा क्या होता है नॉट इक्वल टू जीरो। तो बाकी केस में हमारा सारा चलेगा, क्योंकि क्या हमारा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा पी ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला क्या हो जाएगा क्या, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है हमारी। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा ये क्या हो गया एक, ये भी क्या हो गया एक ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स। तो तीन टाइप के क्वेश्चन रिक्वेस्ट किया है, बाकी मैं सेमी ग्रुप में भी कराऊंगा इसी टाइप के, तो मैं जो सेमी ग्रुप कराऊंगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा कि आपको उनको ग्रुप प्रूव करना है कि ग्रुप है या नहीं है। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मेहनत आप जारी रखिए मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, इतनी लेट रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिन भर काम करने के बाद रात के आपको लोगों के लिए वीडियो शूट करना एक बहुत ही वो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक जरूर करके बताएं, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन का साधन है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं आपको।